जी हाँ, मैं निर्माता दिलीप जी को, निर्देशक नीलमणि जी को, जिनके अंडर में मुझे पहली बार काम करने का मौका मिल रहा है, और मेरे छोटे भाई सत्येंद्र इस फिल्म के नायक हैं, नया चेहरा आलमराज, और हमारी फिल्म इंडस्ट्री की बहुत खूबसूरत और मेहनती नायिका अंजना हैं, अवधेश जी हैं, तो कुल मिलाकर एक सशक्त टीम है
इनके पास ज़रूर एक अच्छी फिल्म बनेगी। और दिलीप बाबू से जब मेरी मुलाकात हुई तो इनके अंदर जो जज्बा मैंने देखा एक भोजपुरी फिल्म बनाने का, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मगर हाँ, आज के इस कार्यक्रम में एक बात कहना चाहूँगा कि शायद वक्त पे आने की मेरी बुरी आदत है, इसी वजह से पिछले 37 वर्षों से इस फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। लेकिन आज इस प्रोग्राम में हमारे बहुत साथी कलाकार नहीं आ पाए, हो सकता है किसी वजह से कहीं व्यस्त हूँ, नहीं जानता। लेकिन मेरी शुभकामना है उन लोगों को, और ज़रूर जो वक्त बदल रहा है, जब समाज बदलता है तो भोजपुरी सिनेमा बदलता है या कोई भी सिनेमा बदलता है, तो दिलीप जी और नीलमणि जी जो ये फिल्म लेके आ रहे हैं जावाज, निश्चित इस वक्त की सबसे बड़ी फिल्म साबित होगी, ऐसी ईश्वर से मेरी प्रार्थना है। मैं डायरेक्टर साहब से जानने की कोशिश करूंगा, सर कैसी होगी फिल्म? बहुत सारे स्टार्स नजर आ रहे हैं, कुछ नए कुछ पुराने चेहरे, कॉकटेल पूरा दिखाई दे रहा है, मुझे जरा बताइए फिल्म के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में। कॉन्सेप्ट के बारे में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ये एक फैमिली ड्रामा और एक्शन थ्रिलर फिल्म है। फैमिली ड्रामा के साथ एक्शन का कॉम्बिनेशन पिछले काफ़ी टाइम से हमारे इंडस्ट्री में चल रहा है, लेकिन ये एक अलग तरह की फिल्म होगी। बहुत ही मज़ेदार, मसालेदार, हर चीज़ कमर्शियल ड्रामा है, कुछ बहुत कुछ नया नहीं है, लेकिन प्रेजेंटेशन नया रहेगा। ये मेरा वादा है कि जो प्रस्तुति रहेगी फिल्म की वो बहुत ही यूनिक रहेगी। और साथ में हमारे कुणाल भैया हैं, बड़े भाई, इनका आशीर्वाद है, अवधेश भैया है। क्षमा चाहते हुए एक बात कहूंगा, लेकिन इस फिल्म में अश्लीलता मत रखिएगा, ये मेरा विनम्र निवेदन है आप लोगों से। चूंकि हमारी घर की माँ बहनें फिल्म देखने नहीं आती हैं, और किसी भी क्षेत्रीय भाषा की फिल्म की सफलता घर की महिलाओं के द्वारा ही होता है। जी सर, अश्लीलता के तो खिलाफ मैं खुद हूँ। इंडस्ट्री में अश्लीलता ना हो तो हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री और ऊपर जाएगी। इसके कारण कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बाहर बुराइयाँ होती हैं फिल्म इंडस्ट्री की। खैर, उन सब से हट गए, ये मैंने पहले ही कहा कि ये एक फैमिली ड्रामा है, तो फैमिली ड्रामा है तो फिर अश्लीलता की जगह नहीं है। फैमिली ड्रामा की एक फैमिली का ताने बाने बुने गए हैं, बहुत अच्छे मज़ेदार। सत्येंद्र जी भी अच्छे एक्सपीरियंस होल्डर, अच्छे नायक हैं, और बाद बाकी दो नए जो चेहरे हैं हमारे आलम राज और बिक्की बबुआ, ये दोनों बिहार के उभरते हुए और बहुत ही अच्छे स्टार सिंगर में गिनती है इनकी। इनका बहुत ही अच्छा व्यूअरशिप है, ये हमारे बिहार के भोजपुरी इंडस्ट्री के स्टार्स हैं, तो इसका फ़ायदा हमें कमर्शियली मिलेगा, और बाद बाकी प्रस्तुति हमारी बहुत ही बेहतरीन होगी, ये वादा है मेरा। प्रोड्यूसर साहब से जान लेते हैं, सर आप, मैं मुझे नहीं बताया गया है कि आपने कोई फिल्म की है या नहीं, या फिर आप पहली बार फिल्म कर रहे हैं, जरा बताइए कैसे ख्याल आए कि एक फिल्म बनाई जाए, वो भी जाबाज। पहले तो मैं दिलीप सिंह, सबको नमस्कार, अपना नाम विशेष क्या बोले, बात है कि सिर्फ आशीर्वाद और प्यार मोहब्बत हमको बनाए रखिए। मैं हूँ जब हम हैं जवाब, ये फर्स्ट मेरा फिल्म है, सिर्फ आशीर्वाद मोहब्बत बनाए रखिए, वही मुझे चाहिए और कुछ नहीं। कुणाल जी, ये अच्छी बात है कि नए नए मेकर्स, नए नए प्रोड्यूसर्स इंडस्ट्री में आ रहे हैं, यकीनन ये बूस्ट करेगा। जी हाँ, देखिए आज भोजपुरी सिनेमा का ये 55-56 वर्ष गुजर रहा है, और मैं ईश्वर की बड़ी कृपा अपने ऊपर मानता हूँ कि ये 37वां वर्ष है इस भोजपुरी सिनेमा से जुड़े हुए। तो मुझे लगता है कि आज का जो यंग जनरेशन है, जब मैं नायक था गंगा किनारे मोरागांव और दूल्हा गंगा पार के समय, उस समय मीडिया या पढ़े लिखे लोग फिल्में तो देखते थे और घर की महिलाएं भी आती थीं, लेकिन कहीं ना कहीं भोजपुरी सिनेमा से तो जोड़ने में उनको तकलीफ नहीं थी, लेकिन बाहर में जाने के बाद वो एक हीन भावना महसूस करते थे अपने बारे में। लेकिन आज की जो नई पीढ़ी है, आप पत्रकारों की पीढ़ी है, या ऐसे निर्माता निर्देशक हैं, या कई सारे कलाकार हैं, या आलम राज और बीकी बबुआ ऐसे नौजवान बच्चे जो आ रहे हैं इस इंडस्ट्री में, तो कहीं ना कहीं ये है कि हमारे अंदर वो ताकत है कि मैं चांद पर पहुंच सकता हूं,
उतनी ही ताकत है, मुझे अपने भाषा पे गर्व है, मैं अपनी भाषा को प्यार भी करता हूँ। तो ऐसे नौजवान अगर आ रहे हैं तो निश्चित रूप से भोजपुरी सिनेमा को और ऊंचाई मिलेगी। और जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि दिलीप जी से मिलने के बाद इनके अंदर जो जज्बा देखा, तो अगर इनकी ये पहली फिल्म भी होगी तो इनको लड़खड़ाने नहीं देंगे, इनको संभालने के लिए हम लोग हैं, आप सब लोग हैं, आप लोगों का भी सहयोग चाहिए। नीलमणि जी यंग डायरेक्टर आज के जनरेशन की फिल्म बनाएंगे, अश्लीलता नहीं हो लेकिन वक्त के हिसाब की फिल्म हो, यही मेरा आग्रह इन दोनों से है। नीलमणि जी कब तक शुरू हो रही है फिल्म, कहाँ कहाँ शूट करेंगे सर? ये फिल्म हम शुरू कर रहे हैं मे एंड और जून फर्स्ट वीक से। इसकी शूटिंग बिहार यूपी में भी झारखंड के सुंदर लोकेशनों पे की जाएगी, जहाँ पे हमारे फिल्म की डिमांड होगी, जो लोकेशन का डिमांड होगा हम वहाँ पे फिल्म करेंगे। और बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, आप लोग ये इसको लिखा है हमारे राजेश पांडे जी ने, बहुत ही अनुभवी लेखक हैं, बहुत ही अच्छा कहानी को उन्होंने बनाया है, बहुत ही अच्छा ताना बाना बुना है और बहुत ही लाजवाब स्टोरी है। क्योंकि पहली बार मैं आ रहा हूं तो मैं ढूंढ रहा था ऐसी कहानी जो कि बहुत ही अच्छी कहानी हो, जिससे कि कुछ बेहतर कुछ अलग करने की कोशिश करूं, ताकि मैं भीड़ का हिस्सा ना बनूं, थोड़ा सा कुछ अलग हो, तो वो कोशिश मेरी रहेगी। बस बाद बाकी आप सबका सहयोग चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। रेडी सर, रोल रोल रोल। आमिशा जी, नई नई फिल्म का मुहूर्त क्या गया है, हम हैं जाबाज, बताइए जरा, दो भारतीय कलाकारों के साथ आप शेयर कर रहे हो मंच। मुझे पूछ रहे हैं जी, राजीव मिश्रा, हमें जंगबाज फिल्म के आज मुहूर्त पर हम लोग आए हुए हैं। सबसे पहले बधाई देना चाहूँगा राजपूत जी, जो हमारे इस फिल्म के दिलीप सिंह राजपूत जी, और नील को मैं व्यक्तिगत जानता हूँ, वो बड़े सुलझे हुए व्यक्तित्व के मालिक और अच्छे निर्देशक उभर सकते हैं वो। बाकी हमारे दोनों भाइयों के बीच में बैठा हुआ हूँ। आज मुहूर्त का दिन है, मुहूर्त शुभ दिन पर ही होता है, शुभ मुहूर्त पर ही यहाँ पर मुहूर्त किया गया है। तुम तहे दिल से बहुत बहुत बधाई इन लोगों को। दोनों नए कलाकार हैं जो आपके, आलम राज और विकी जी भी, दोनों पहली बार शायद फिल्मों में नजर आएंगे। एक बार फिर से सिंगर एक्टर बनने की राह पर है मिश्रा जी? नहीं, एक बार फिर से क्या, सिंगर हमेशा एक्टर बनने की राह पे रहते हैं। सिंगर बनने के पीछे आधार ही होता है कि एक्टर बनना है कि नहीं, और ज़रूरी भी है। आदमी एक कदम आगे बढ़ता है, एक सिंगर का जो मुकाम है वो अंततः एक्टिंग ही होता है। तो और लोग बने हैं, इन लोगों को बनने में क्या, ये फिल्म इंडस्ट्री है, ओपन दुनिया है सबके लिए, जिसमें जितनी प्रतिभा होगी उतना मिलेगा। और ये दोनों बड़ा प्रतिभावान आदमी दिख रहे हैं, इनके बारे में जितना सुना हूँ, तो मेरे तरफ से इन दोनों को गॉड ब्लेस, बहुत बहुत दुआएं हैं कि निश्चित तौर पे ये बने बढ़े, ताकि इंडस्ट्री में भी एक नए हीरो का आगमन है। मेरी जानकारी थोड़ी कम है, जरा बताइए इन दोनों के बारे में आपने क्या क्या सुना है? सुना है कि अच्छे सिंगर हैं, बहुत ज़्यादा तो सुना नहीं, मैं एक कलाकार हूँ जो सिंगिंग से वास्ता नहीं रखता हूँ, तो इनके बारे में सुना ही हूँ अभी तक, सच्चाई यही है। मिला भी आज, मैं इनसे तो मिल चुका हूँ कई बार, इनसे पहली बार मुलाकात भी हुई है। पहले मिले हम लोग पटना, मिले हैं दो पटना में मिले होंगे, तो यहाँ इनसे पहली बार मुलाकात भी हो रही है। तो अच्छा है कि इन दोनों के बीच में हम हैं, तो थोड़ा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सिंगरों के बीच में एक्टर का भी होना कभी कभी जरूरी है। क्या विलन होगा इस फिल्म में, आपका रोल गेटअप कैसा होगा इस बार, आपका गेटअप चेंज होता है? अभी तो गेटअप का प्रोसेस अभी बहुत लंबा है, पहले कहानी, उसके बाद किरदार, उसके बाद गेटअप आता है। बाल होगा सर? बाल होगा, बाल तो रखता हूँ मैं। इसमें पोस्टर है क्या? हाँ पोस्टर है ना, इसमें बाल है, बाल तो रखता हूँ, लेकिन सर मैदान साफ इसलिए रखता हूँ कि जिस तरह की खेती चाहे कर सकूँ, जो एक एक्टर के लिए ज़रूरी भी होता है। एक ही शक्ल, एक ही बाल देख करके उबते हैं हम लोग, तो मैं तो बहुत उब जाता हूँ, तो इस उबन को मिटाने के लिए मैंने बिल्कुल सफाचट कर दिया मैदान। जैसी खेती करनी हो निर्माता निर्देशक को, वैसी कर दें। लेकिन आपके जो दोनों साथी कलाकार हैं वो शायद ऐसा नहीं सोचते? नहीं, ये तो अभी आए हैं, हम खुद से उब चुके थे, ये तो अभी खुद से प्यार कर रहे हैं, मैं तो खुद से ही नफरत करने लगा था। तो हम दोनों में बड़ा अंतर है, हम कुछ दिन बिता चुके हैं इस इंडस्ट्री में, इसलिए मुझे लगा कि अब खेती साफ करनी चाहिए, नई फसल उगानी चाहिए। सर कभी ऑडियंस ने भी आपको नफरत किया है, कैसे प्रतिक्रिया? ऑडियंस तो बहुत नफरत करती थी, और बेइंतहा मुझे चप्पल भी मारे गए हैं,
एक बार राजकुमार पांडे जी के साथ गया था प्रमोशन में, तो महिलाओं ने चप्पल भी मारा है, थूका भी गया, गाली तो हमेशा सुनता था। तो उसी इमेज को बदलने के लिए एक फिल्म किया मेहंदी लगा के रखना, जहाँ से लोगों का प्यार सम्मान के साथ मिलने लगा, वरना बड़ा अपमानजनक प्यार मिलता था, गालियाँ बहुत सुननी पड़ती थी। तो अब है, अब जिस जगह पे मुझे लग रहा है कि यहाँ से अब दिशाएं बदलती रहनी चाहिए, तो मैं अपने अंदर एक बदलाव ला रहा हूँ एज एन एक्टर, की अच्छे चरित्र का भी निभाना आवश्यक है एक एक्टर के लिए। कॉमेडी भी कर रहा हूँ, सीरियस रोल भी कर रहा हूँ, कैरेक्टर रोल भी कर रहा हूँ, लेकिन जो भी एक की रोल होना चाहिए फिल्म का, सेंट्रल फोकस होना चाहिए, वही कर रहा हूँ। ऐसे नहीं कि केवल बाप बनना है तो कुछ भी बाप बन गए कॉमेडियन बन के कॉमेडी कर रहा हूँ। एक किरदार है जो चरित्र अभिनेता, एक किरदार है जो कॉमेडी करता है, एक किरदार है जो विलेन है, तो अब किरदार निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप बाप बनना आगे भी जारी रखेंगे। बाप तो बन चुका हूँ ऑन स्क्रीन की बात कर रहा हूँ, ऑन स्क्रीन खेसारी जी का फादर बन चुका हूँ, कल्लू जी का बन चुका हूँ, दिनेश जी का बनने जा रहा हूँ, तो बाप तो बनते रहना चाहिए। अब उम्र, हम अपने आप को पहले सतर्क कर चुके हैं कि भैया जब उम्र झटका दे उसके पहले खुद ही झटक लो अपने आप में, ताकि बाद में ये पश्चाताप नहीं हो कि यार वक्त रहते हम संभले नहीं। वक्त रहने के पहले आप थोड़ा अपना ठिकाना बना लिए कि विलेन कब तक और कितना विलेन और क्यों विलेन, विलेन ही क्यों, विलेन करते करते ऊब चुका था मैं सच पूछिए तो। तो विलेन में भी अब इतना ये एक रिफ्रेशमेंट हो गया मेरे लाइफ में कुछ अलग अलग चरित्र को निभाना, तो विलेन भी जो करता हूँ वो भी बड़ी आनंद के साथ करता हूँ, मज़ा आता है विलेन करने में भी। अब चार फिल्में पॉजिटिव करता हूँ तो एक दो फिल्म विलेन भी कर लेता हूँ। जरा बताइए इस फिल्म के बारे में, आप नोटेड सिंगर तो हो, मशहूर सिंगर तो हो, लेकिन फिर हीरो बने आप, कैसे ऑफर हुई ये फिल्म, आप तक कैसे पहुंची? सबसे पहले सब भोजपुरी श्रोता समाज के हम आलम राज चरण छू के प्रणाम करत दनी। ये फिल्म के सिलसिला लगभग दो तीन साल से चलता है, लेकिन पहला बार हमने के गार्जियन स्वरूप माननीय बड़ भैया दिलीप सिंह जेकर आशीर्वाद से इतना महान महान कलाकार के सन है, पहला बार ऐसा मौका मिलल बा। हम जब बच्चा रही तब तो देखल रही गार्जियन स्वरूप कुनाल चाचा बन गया, तो वहाँ के रही तो वहाँ के फिल्म हम देखल रही बहुत बचपन में। तो बाद जब से अमरीश पुरी जी मुँह ली, जब से डेट भर तब से हमारा फील ना भैया कि अमरीश पुरी क्यों नहीं खे। लेकिन यह एक तो चमत्कार बात, सॉरी बीच में बात काटा, कि अमरीश पुरी जी के अंतिम संस्कार में हम बहुत हद तक इन्वॉल्व रहनी, उनका आरती के कांधा भी हम दिले रहनी, और हमारी किस्मत बा कि उनके अंतिम संस्कार के दूसरे दिन ही हमारा पहला भोजपुरी फिल्म के ऑफर मिलल रहा है। फिल्म का नाम रहे दुलाई सिंचाई, उस जगह मिल चुका था ऑलरेडी। अरे वो लोग जो बना चुके हैं लीजेंड लोग, पब्लिक रुआ का प्यार बहुत ज़्यादा देला, ऐसे रुआ से हम दो तीन बार मिल भी चुकल बनी पटना शो में। ये मेरा सौभाग्य है कि दर्शक हमें प्यार करते हैं, ये मेरे अपने कर्म नहीं है, ये ऊपर वालों के कर्म है कि जो मिल जा रहा है कुछ भी। बाकी सब सब जितना लोग हमारा के देखा था सुना था, जितना मीडिया भाई लोग सब सबकरा से ये रिक्वेस्ट बाकी हमार एगो सोलो टाइप के फिल्म बा, बढ़िया फिल्म बा, तो फिल्म के वो लोग जरूर देखें एक्टिंग के रूप में। ऐसे हमारा वो लोग बहुत सारा एल्बम के सेट देखले बनी सुन ले बनी इसने प्यार दिले बनी शो के माध्यम से वो लोग हमेशा यूट्यूब पर हमारा के देखी ले, तो हम चाहें कि फिल्म जो बना था कहीं ना कहीं से बहुत बढ़िया फिल्म बा, ये फिल्म के वो लोग जरूर देखें आ भरपूर इसने प्यार दी, बाकी ऐसे बढ़ के हम का कह सकें। विकी जी ये बताइए मुझे ज़रा अपने बारे में बताइए, सिंगर तो आप हो एक्टर भी बनने जा रहे हो। सबसे पहले आप सबको नमस्कार, जितने हमारे मीडिया पार्टनर हैं और जो भी हमारे भोजपुरी के श्रोता और दर्शक हैं उन सबको लाखों बार घोर चुके प्रणाम कर रहा हूँ। और सिंगर तो मैं लगभग 2009 में सुर संग्राम में था, पार्ट वन जो सुर संग्राम आई थी साइलेंस प्लीज, उसमें मैं था, थर्ड रनर अप था पूरे देश में बिहार से। और आज जो ये फिल्म की बात है तो सर 10-12 साल हो गया स्ट्रगल करते हुए, बस एक यही सपना था, आज वो शुभ दिन है और इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद दूंगा अपने बड़े भैया गार्जियन स्वरूप माननीय दिलीप सिंह बड़े भैया का कि उनके माध्यम से ये मौका मुझे मिला है। और हमारे गार्जियन स्वरूप बड़े भैया और देश भैया बैठे हैं, बस कुछ सीखना है, कुछ अच्छा करना है, मेहनत करना है बस।
ये लोग बैठे बिठाए हमारे जैसे जवान आदमी को गार्जियन बना देते हैं, हम खुद ही गार्जियन ढूंढ रहे हैं। जब जब स्क्रीन पे मार पिटाई होगी तब इनको ताकत का पता चलेगा। हाँ अभी हमको बुजुर्ग बना दे रहे हैं, बताइए। अरे सर अभी तो आप बुजुर्ग, अभी तो कौला कंवारा लड़का हूँ मैं, अभी तो बस बालों की जरूरत है थोड़े सर। बाल तो आ जाते हैं सर, वक्त पड़ने पर बाल आ जाते हैं। चलिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स ऑल ऑफ यू, धन्यवाद। दिल्ली से हमारे रमेश भैया एंगल म्यूजिक कंपनी के डायरेक्टर और दुलही पार्क के निदेशक डॉक्टर अरविंद आनंद जी, निर्माता 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 मीडिया है सब लिया जाए। आप सबको जितने भोजपुरी श्रोता हैं हमारे, उन सबको एंगल म्यूजिक की तरफ से बहुत सारा शुभकामनाएं और बहुत सारा प्यार, और सारे भोजपुरी सुनने वालों को मेरा प्रणाम है। इस फिल्म में एक ही चीज़ मेरी भी रिक्वेस्ट है, अभी बोले हैं कुलान भैया, हमारी भी एक ही रिक्वेस्ट है कि अच्छी छवि वाली पिक्चर बने जो हमारी माता और बहन सारे लोग देख पाए। ऐसा ना हो कि मतलब कल भोजपुरी समाज का एक अलग इमेज बन जाए कि नहीं भोजपुरी में सब लोग गंदा ही दिखाते हैं, कोई अच्छा दिखाने वाला नहीं है, कोई पारिवारिक पिक्चर दिखाने वाला नहीं है। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सबको प्रेरणा दें और आगे जो भी फिल्म बने वो एक सामाजिक बने और एक अच्छा बने। और मैं खुद MD एंगल म्यूजिक का हूँ, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। आनंद जी सर शुभकामनाएं दीजिए, नए लोग लेकिन अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं आज जो फिल्म है हम है जबाज जबाज हम है जबाज, ये जो दो नए चेहरे हमारे सामने हैं आलम राज और बिक्की बबुआ, और सत्येंद्र सिंह तो काफ़ी पुरानी इनका अपीयरेंस रहा है भोजपुरी फिल्मों में, तो वो छोटे बड़े फिल्मों में अपना भूमिका निभाते रहे हैं। लेकिन आज जो विशेष है, आज मेरे दिल का जो तमन्ना है, और ख़ासकर जो हमारे सामने जो बैठे हुए हैं रमेश जी, आज मैं मानूँ तो आज जितने भी आज कलाकार हैं, जितने भी आज आज की डेट में जो स्टार हैं, मुझे लगता है कि निरहुआ जी को भी लिया जाए तो भी खेसारी हो गए, खेसारी पवन सिंह, खेसारी जी पवन जी, और उसके बाद अभी जो दौर है अभी आलमराज के, अभी का जो मतलब कहा जाता है एक तरफा जो स्टार है आलमराज हमारा भाई, और विशेष रूप से इनका योगदान रहा है तो हमारा भी कुछ ना कुछ योगदान भाई के उसमें रहा है। और मुझे सबसे बड़ी खुशी है कि मेरे छोटे भाई दिलीप सिंह, दिलीप सिंह मेरे भाई ही नहीं, मेरे बहुत ही करीबी मतलब अपने मित्रों में से एक है, और उन्होंने बहुत ही गार्जियन मेरे, और जहाँ तक इन्होंने ये मुझे गार्जियन के रूप में मानते हैं, तो आज ये फिल्म जो भी आज आज आपके सामने है एक अच्छा प्रयास है, और शुभकामना भी है और आशीर्वाद भी है हमारे छोटे भाइयों को कि आप अच्छे बनाएं, अच्छी फिल्म बनाएं और अच्छी मेकिंग करें, और सोच समझ कर कोई भी काम करें तो शायद अच्छा रिजल्ट होगा। नर्मदा स्वामी जी हैं, शुभकामनाएं, शुभकामनाएं आपको भी देनी चाहिए नए लोगों को। जय माता दी मित्रों, जय श्री राम, जय श्री राम सर। हम भोजपुरी फिल्म के गुंडा नरमुंडा, आज दिलीप भैया के मेरा बन निर्माता में हमने पहला बार आल बने दिलीप भैया हमने के साथ ही फिल्म करत हैं, जो ना फिल्म के हीरो बड़ भाई सत्येंद्र सिंह जी, हमारे दू गो अपन छोट भाई करीबी मित्र करेजा के टुकड़ा आलम राज डिक्की बबुआ, इन दोनों लोग सोलो हीरो बन छुता है फिल्म में। हम तो काफ़ी फिल्म पहले कर बनी, लेकिन भैया के साथ जुड़ल बा दिल के रिश्ता, तो फिल्म में विलन के रोल करत बनी, अब बहुत अच्छा फिल्म बा, पारिवारिक फिल्म बनी, एक्शन से भरपूर फिल्म बनी, और आप सबसे आग्रह करब कि फिल्म के बहुत दिल से प्यार आशीर्वाद दी, धन्यवाद करें कि फिल्म हमने अच्छा तरीका से बनाई, आप पर्दा पर लाएँ, आप सबके से आशीर्वाद दाई। जय माता दी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
नमस्कार। बहुत खुशी की बात है कि हमारी आज ये फिल्म हम हैं जवान का मुहूर्त हुआ और आप लोग आशीर्वाद प्यार मिला, तो मैं आज बहुत खुश हूँ और आप सबसे आशीर्वाद प्यार लाना चाहता हूँ कि हमारे बड़े भैया दिलीप सिंह जी हैं, ये फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसमें हमारे चहेते भाई, बड़ा प्यारा भाई है एक आलम राय सिंगर, वो भी काम कर रहा है मेरे साथ। विकी बबुआ है, वो भी काम कर रहा है। और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे बड़े भाई अवधेश मिश्रा जी के साथ में काम कर रहा हूँ। और कुणाल सर जी के साथ मैं कई फिल्में किया, उनका भी आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। और बहुत सारे हमारे भाई लोग हैं, देव भाई हैं, सुबोध जी हैं, राजेश भैया हैं और तमाम हमारे पूरी जवाज की टीम है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई कि मैं ये काम कर रहा हूँ। सोनी जी हैं, बैठी हुई हैं, प्रतिभा जी हैं, तो बहुत खुशी हुई कि आज मेरी फिल्म एक तरफ दिलीप भैया के साथ में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। संजय जी, पोस्टर में देखा हूँ तीनों हीरो में आप सबसे ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहे हैं, मुझे क्यों? देखिए, इस तरह का सब्जेक्ट है कि जवाज है तो निकले हुए तो जवाजी तो दिखानी है, तो कुछ इस तरह का सब्जेक्ट है। अच्छा, दोनों के हाथों में बंदूक है, आपके हाथ में बंदूक नहीं शायद इसलिए? जी, बंदूक तो लिए हुए हैं दोनों भाई, मेरा हाथ ही काफी है। यस, ये बात आप बताइए, आप दोनों से मैं जानना चाहता हूँ, दोनों खूबसूरत से जाबाज के बारे में। आप इसमें सतेंद्र जी हीरो हैं। नमस्ते, मैं हूँ सोनी जा। मुझे बहुत खुशी मिल रही है, मैं जाबाज फिल्म में काम करने का मुझे मौका मिल रहा है। सत्येंद्र सिंह हीरो हैं और मेरे दिलीप सर प्रोड्यूसर हैं। आप लोग फिल्म का हिस्सा हो या गेस्ट भी हो? नहीं नहीं, हिस्सा भी हूँ मैं, काम कर रही हूँ। नमस्ते, मैं हूँ प्रतिभा मिश्रा और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है इस बात की कि मैं पहली, ये मेरी तीसरी फिल्म है, लेकिन ये जो फिल्म करने जा रही है मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और दिलीप सर को दिल से थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि जो इन्होंने मुझे इतना अच्छा मौका दिया है और सत्येंद्र जी के साथ काम करने के लिए भी मौका मिला है। और मैं चाहती हूँ ये फिल्म बहुत अच्छी जाए और जितने मेहनत से हमारे दिलीप सर इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं, और तो ये फिल्म बहुत सुपर डुपर हिट हो। ठीक, मनीष चतुर्वेदी जी हैं। मैं मनीष चतुर्वेदी, बस मैं वो लोग का प्यार आशीर्वाद यही चाहता हूँ। ये हमारे सतेंद्र भाई हैं, इनका पिक्चर के आज मुहूर्त भैया बैठे, ये हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं और इसी खुशी में हम लोग सब शामिल हुए हैं कि अच्छी फिल्म बन पाए। और भोजपुरी में हमारे डे बाई डे आज हर लैंग्वेज में पिक्चरें बन रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, तो हमारी यही तमन्ना है कि हमारी भोजपुरी भी उस मुकाम पे पहुँचे और वो सारे दर्शक निकल के हॉल तक आए जो अभी तक नहीं आए हैं। चलिए, हमारी फिल्म तो पारिवारिक होती ही है। हाँ, हमारी जो भी है घात भी पारिवारिक फिल्म है, ये भी हमारा है, पूरा फैमिली और एक्शन इमोशन पूरा एकदम मसाला भरपूर है। तो हम दर्शक सबसे यही कहे के चाहते हैं निरुआ सबसे कि हमने का आशीर्वाद प्यार दुलार दी लोगी कि ऐसे ही हमने फिल्म रुआ सबके बीच में लेते आई और अच्छी फिल्म, अच्छा ये सब रुआ सबके कहे के ना पड़े कि फिल्म अच्छा नहीं है, ये सब सिस्टम खत्म होता हमने के फिल्म से, रुआ सबके प्यार चाहे। मैं राजेश पांडे, सब आप सभी को नमस्कार। और सबसे पहले मैं धन्यवाद और थैंक्स करना चाहूँगा प्रोड्यूसर साहब दिलीप जी को कि जिन्होंने इस जाबाज में हम लोगों को अवसर देने चाहे हैं, और ऑडियंस को बहुत पसंद आएगी ये फिल्म। और सत्येंद्र जी के साथ मेरी दूसरी फिल्म है, इसके पहले घात में हम इनके फिल्म में काम कर चुके हैं और दूसरी फिल्म हम जाबाज कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सच में बहुत ही जाबाज तरीके की ये फिल्म होगी। और हमारे जो कुणाल भैया हैं और उसमें अवधेश मिश्रा जी हैं, इन लोगों के साथ, अवधेश मिश्रा जी के साथ भी मैं ये दूसरी फिल्म करूंगा, इसके पहले भी मैं चोर मचाए शोर में भी किया हूं उनके साथ। तो स्पेशल थैंक्स सत्येंद्र जी और हमारे दिलीप भैया के लिए, और ऑडियंस को भी पसंद आएगा ये हम ईश्वर से कामना करते हैं। और ज़रूर ये जाबाजी की तरह जाबाज आगे बढ़ेगी। धन्यवाद। इधर है जीतू सोनी। नमस्कार, मैं जीतू सोनी।
मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा दिलीप जी को, जो मुझे इस काबिल समझे, मुझे मौका दिया। मैं एक एक्टर हूँ, मैं दो फिल्में हिंदी का किया हूँ। अभी सत्येंद्र सर बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे बड़े एक्टर हैं। मुझे बहुत खुशी है कि इनके साथ मुझे काम करने का मौका मिल रहा है, और ये जवाब जैसी मूवी में मुझे काम करने का मौका मिला। बहुत बहुत थैंक्स दिलीप जी एंड सत्येंद्र सर को। अदरा जी, ये फिल्म है हमारे जाबाज और इसमें तीन हीरो मुझे नजर आ रहे हैं, जरा आप बताइए फिल्म के बारे में, अपने किरदार के बारे में कुछ बताइए। बहुत ही अच्छी फिल्म है, जैसा कि फिल्म का नाम है जाबाज, और तीन हीरो का तो मुझे पता नहीं, मुझे मेरे हीरो के बारे में पता है जो सत्येंद्र जी है, और अच्छे इंसान के बारे में, अच्छे बहुत अच्छे इंसान के बारे में पता है, अवधेश जी के बारे में। बहुत ही एक अच्छा और प्यारा कॉन्सेप्ट है जाबाज, और बहुत ही अच्छी टीम बनी है, और बहुत ही अच्छी स्टोरी है, तो देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है। अच्छा, जो भी आप कह रहे थे बहुत अच्छे इंसान, तो मुझे बात कम और ताना थोड़ा ज्यादा लगा। बस बिल्कुल सही पकड़ा है आपने, वो ताना ही ज्यादा है, बात कम है। हमारी विशेषता ही ज्यादा बताती नहीं है, विशेषण इनके लिए काफी है कि बता दिया कि बहुत अच्छे इंसान है, विशेषता नहीं बताएंगे। नहीं बिल्कुल नहीं, ये बहुत ही अच्छे इंसान है। आप लोगों को जैसे फिल्मों में दिखते हैं, अब वैसे नहीं रहे हैं आप, बहुत ही जी बहुत बदल गए हैं, और ये बदलाव सिर्फ कैमरे के लिए ही है। ये तो मुझे भीगो के मार रही है भाई। नहीं, रियल लाइफ में बहुत बदलाव है, वो दिख करके लगता होगा कि बाकी तो हम क्या कहें। दो नए लड़के लॉन्च हुए हैं इसके साथ, एक आलम राज है जो कि बड़े फेमस सिंगर है, और दूसरा विवेक है, मैं अपने शब्द को वापस लेती हूँ। और मैंने अभी पोस्टर में देखा, मुझे जो बताया गया था, इसमें और भी हमारे दो हीरो हैं, तो उन लोगों को बहुत बहुत बधाई। एक अच्छी टीम के साथ में हम लोग एक यूनिटी के साथ में इस फिल्म में काम करेंगे, और एक अच्छा आउटपुट हम अपने दर्शकों को देंगे, तो उन दोनों को ऑल दी बेस्ट। साथ में की है, बट हम लोग को आर्टिस्ट नहीं रहे हैं, फर्स्ट टाइम एज एन हीरो साथ में है। जी, हम लोग लवारिस और देवरा पे मनवा डोले किए। जी जी, जरा बताइए इस फिल्म के बारे में मुझे, कब तक आपको बताया गया होगा कि कब तक शुरू हो रही है फिल्म, आगे क्या प्लान है? ये फिल्म मेरे ख्याल से मई में फ्लोर पे जारी है, और इस फिल्म की शूटिंग झारखंड या यूपी में हो सकती है। अभी लोकेशन डायरेक्टर फाइन कर रहे हैं, जैसी भी फिल्म में लोकेशन की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे उसको फाइनलाइज करेंगे। आपने अभी कहा कि मिश्रा जी थोड़े बदल गए, अवधेश जी थोड़े से बदल गए, आपको कोई बदलाव नजर आता है इनमें? सर, इससे ज्यादा बदलाव क्या नजर आएगा कि हम दोनों इतने करीब बैठे, फिर भी कितना गैप बदल गया। राइट, लेकिन वैसे देखा जाए तो अवधेश जी वाकई में बहुत अच्छे इंसान है। सर, मैं पहले भी बदला हुआ था, लेकिन मैं एक चीज बता दूं, एक मेरी सोच है कि बुरा हो भले ही सही, बुरा दिखो मत। तो पहले बुरा दिख जाता था, अब शायद बुरा हूँ भी अंदर से, लेकिन दिखना नहीं चाहता हूँ, तो बिल्कुल बुरा नहीं दिखूंगा मैं। इन्होंने देखी अपनी बात को माना। हाँ, नहीं, अंजना जी की बात, दबाना ही, और ये अच्छी बात है, अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। अभी लोग पॉइंट आउट नहीं करते हैं, अभी पॉइंट आउट नहीं करते। हाँ। पहले किसी के बारे में अच्छा भी सोचता था तो लोग लगता था यार इसकी आंखें बुरी हैं, इसका ये देखने का तरीका बुरा है, तो सारे तरीकों को मैंने बदल दिया, चश्मा भी पहन लिया, रंगीन चश्मा, तो दुनिया ही अच्छी दिखे। बाकी अभी मेरी फिल्म जो रिलीजिंग पे है वो लव एक्सप्रेस है, और एक बहुत ही प्यारा फिल्म, उसमें भी मैं ही हूँ, उसमें भी आप ही हैं, मेरे पिता बने हैं। कितना शरीफ इंसान है। बहुत शरीफ इंसान है, नहीं, नो डाउट, उस फिल्म में बहुत शरीफ बने हुए हैं, और मेरी आने वाली फिल्म जिसका मैं वेट करी, लव एक्सप्रेस है, और खुददार है, गिरफ्तार है, और नागराज है। अभी रिसेंटली आज ही से मेरी एक फिल्म की शूट स्टार्ट हुआ है, मुन्ना मवाली, ये सब फिल्में हैं मेरी फ्लोर पे रिलीजिंग के लिए हैं। बॉलीवुड
से खबर है सलमान खान साहब को सजा अनाउंस हुई है कोर्ट ने, जोधपुर कोर्ट ने। भोजपुरी इंडस्ट्री कुछ कमेंट करना चाहती है? मैं चाहता हूँ उदित मिश्रा जी शुरू करें। हिंदुस्तान के कानून का सम्मान करता हूं मैं, और हिंदुस्तान के कानून ने जो सज़ा सुनाई है या जो फैसला दिया है वो सर आँखों पर है पूरे हिंदुस्तान के, कोई चाह के भी कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन बीइंग एन एक्टर, एक अभिनेता के नाते इस इंडस्ट्री को बिलोंग करता हूं, हमें दुख है कि एक सबसे बड़ा इंटरटेनर को सज़ा मिल गई है। जो इंटरटेनमेंट जब भी आते थे इंटरटेनमेंट का पैकेज होते थे, तो थोड़ा सा उस मसले को लेकर दुख है। और मैं यही चाहूँगा कि उनको अपराध बोध अगर हो गया, उनसे वाकई अपराध हुआ हो और उनके मन में इस, देखिए पश्चाताप से बड़ी सज़ा कुछ नहीं होती है, एक आदमी अगर पश्चाताप कर ले तो वो बहुत बड़ी सज़ा हो जाती है। अगर उनको पश्चाताप है तो थोड़ा कंसीडर करें, एक सरकार को भी उस, वो लोग वैसे भी ऊपर के कोर्ट में जा रहे हैं, बड़ी हो जाए तो बढ़िया है, एक अच्छा इंटरटेनर हमारे हिंदुस्तान में। देखिए उम्र की भी एक सीमा रेखा होती है, 5 साल के लिए भेज देना, उसके बाद सलमान खान की उम्र बहुत हद तक ढल जाएगी। बाकी हम क्या कहेंगे, हम एक न्यूट्रल इंसान हैं, एक एक्टर के नाते मुझे लग रहा था कि जिस इंडस्ट्री में है मुझे बड़ा गैप है, वो हो जाएगा, बुरा तो लग रहा है। वैसे हिंदुस्तान में ये भी होता है कि इंसान के भी मारने का आरोप उन पर लगा था, उनके ड्रंक एंड ड्राइव से लोग मरे थे, वहाँ से तो बरी हो गए, लेकिन एक जानवर को मारे हैं या नहीं मारे हैं उससे मतलब नहीं है, लेकिन जानवर के मौत की सज़ा तो उनको मिल गई है कि उनको मारने का उनको सज़ा मिला है। तो यहाँ ये होता भी है, आदमी दो मर गए कोई फर्क नहीं पड़ता, जानवर एक मरा। लेकिन ये बड़ी खुशी की बात है कि हिंदुस्तान में जानवर को इतना सम्मान दिया जाता है, क्योंकि वो बेजुबान कुछ बोल नहीं पाता, इंसान तो कुछ बोल पाते हैं, उनके नाते रिश्तेदार कुछ बोलते हैं। तो मैं सबसे यही बोलूँगा, इंसानों को जितना प्यार करते हैं उस, कहीं उससे कम जानवरों से प्यार न करें। वो बेजुबान अपनी व्यथा अपना दर्द बता नहीं सकते हैं, लेकिन उनका जो दर्द होता है वो सीधा ऊपर तक पहुंचता है और ऊपर वाले की लाठी में दम बहुत होता है। तो किसी बेजुबान को न सताएं, बेजुबान को न मारें, अपनी ख्वाहिश मिटाने के लिए, अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए किसी बेजुबान को हर्ट न करें। सेम जो अधीश जी ने बोला, मैं उस बात को एग्री करती हूँ कि हमारी गवर्नमेंट का जो भी फैसला है उसको हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं। बट मेरा एक ये भी एक, क्योंकि मैं खुद एक एक्टर हूँ तो मैं ये कभी कभी देखती हूँ और फील करती हूँ कि नॉर्मली कितने, ना जाने कितने हिरन मरे पड़े होंगे, किसी का ध्यान नहीं गया होगा, लेकिन उसको सलमान खान के थ्रू कुछ मरा या कुछ ऐसा हुआ तो लोग उसको इतना हाईलाइट कर रहे हैं। सलमान खान ने बहुत अच्छी भी चीज़ें की हैं, उसको लोग ध्यान नहीं देते हैं, आज की ही नहीं है, करते आ रहे हैं और आगे फ्यूचर भी उन्होंने बहुत कुछ कर रखा है। तो मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि गलती हुई है उनसे, उनको आपने सज़ा भी दी है, बट सलमान खान हम सबके बहुत फेवरेट हैं, तो प्लीज़ सज़ा जो भी की है थोड़ी कम करिएगा, बिकॉज वी लव सलमान खान। जी अवधेश भैया ने जो कहा, अंजना जी ने कहा, वो बिल्कुल सत्य है। रूल जो है लॉ का वो किसी को नहीं देखता, चाहे कोई कितना भी बड़ा हो। लेकिन अंजना जी ने कहा कि उन्होंने, एक इंसान से गलतियां होती है, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी भी काम की है। तो मैं भी कहूँगा, आग्रह करूँगा अपने जो भी हमारे देश के जजेस लोग हैं कि उनको राहत दें, यही कर सकता हूँ, उनके लिए शुभकामना कि वो जल्दी हमारे बीच आए। सर शुभकामनाएं मैं लेना चाहता हूँ आप सबसे नई फिल्म के मूड के लिए, जाबाज के लिए। तो सबसे पहले किससे लेना चाहते हैं ये भी बता दीजिए, आप में से, आप ही ने बोला है, शुरू कर दीजिए। कोई नहीं बोलेगा तो मुझे बोलना पड़ेगा। तो मेरी तरफ से बहुत 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 शुभकामनाएं इस फिल्म हम है जावाज के लिए, और इस फिल्म में मैं भी हूँ जैसा कि आप देख रहे हैं, और
सत्येंद्र जी इसके हीरो हैं, विक्की बबुआ जी हैं उसकी, विक्की बबुआ की शायद पहली फिल्म है, तो उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, गॉड ब्लेस यू, खूब तरक्की करे, अच्छा काम करे, यही दुआ करूँगा। और प्रोड्यूसर दिलीप सिंह हमारे बहुत करीबी हैं, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, इंडस्ट्री में उनका स्वागत है। मैं यही चाहूँगा कि इस फिल्म पे जिस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, ताकि वो इंडस्ट्री में आगे दूसरी फिल्म में बनाएं। नमस्कार, प्रणाम पूरा टीम के हमारा तरफ से बधाई बा, सत्येंद्र भाई हमार अजीज मित्र हीरो बड़े एकरा में, ओकरा बाद दू गो नया लड़का जौन की हमेशा हम सिंगरन के प्रोत्साहन के लिए बनी, और में भी खुशी हो रहा बा विक्की बबुआ और आलम राज जिसे दू गो स्टार आ रहा बड़े, साथ में अंजना सिंह जी बड़ी, दिलीप भाई हमार अजीज दोस्त जे कि फिल्म के प्रोड्यूसर बड़े, उनका लड़का भी हमें आर्टिस्ट बा, और एज ए आर्टिस्ट से फिल्म में हमू भी बनी, तो हम पूरे टीम के बधाई देब, और आप सब मीडिया के तरफ से हम आप लोग के भी आशीर्वाद ले चाहब, और शुभकामना के साथ साथ अपेक्षा भी करब कि हमनी के फिल्म सफलता हासिल करे, दुआ आप लोग के चाहें। प्रणाम बा, नमस्कार बा। सर प्रणाम, हम है जवाब के पूरे टीम को हमारे तरफ से बहुत बहुत सब शुभकामनाएं, बहुत बहुत मजा है। सर बोलिए, नाम बता के बोलिए। कृष्णा बेदर्दी जी हैं, कृष्णा बेदर्दी जी हैं, और इन्होंने काफ़ी हिट गाने लिखे हैं, और उनमें से एक दो गाने गुनगुना भी देंगे जिनके सबसे हिट हैं वो। आप आइए, पहले तो सबसे पहले पूरे टीम के प्रणाम बा, बहुत ही अजीज हमारे मित्र आलम राज विक्की बबुआ फिल्म करते हैं, हमारा तरफ से बहुत शुभकामना बा फिल्म के, हमू में गाना लिखा था नहीं अच्छा आपकी, बहुत अच्छा अच्छा गाना होके हमें बहुत आगे बढ़ने भाई के शुभकामना बा। और अभी अभी इन्होंने भी एक फिल्म की शूटिंग की है बेदर्दी तेरे प्यार में, उसको हम भी है, लेकिन अभी तक हमारा शूटिंग किया नहीं है, कर लेंगे, हो जाएगा, अभी शेड्यूल पहला कम्प्लीट हुआ है, तो इनके लिए भी इनको बहुत बहुत शुक्रिया। ये पूरी नई टीम है, और खुशी हो रही है कि आज बेदर्दी जी इतने नामी, और वाकई उन्होंने हिट गाने दिए, जो कि खेसारी भाई, अगर सच है कि खेसारी भाई अगर हिट हुए थे इनके ही गाने पे हिट हुए थे, आज नए नए लड़के जैसे विक्की बबुआ है, आलम राज जी हैं इस फिल्म में, तो कलाकारों का काका तो हम ऐसे ही हैं, भोजपुरिया काका इसीलिए नहीं कहा जाता है, पर मेरी शुभकामना है सारे सिंगरों का, मैं तो चाहूँगा कि सिंगरों का बाढ़ आ जाए इस धरती पर। उदय भैया हर हर महादेव, नमस्कार आपको। रोल 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 ऑप्शन पूछने के लिए दिलेश भाई बोलो, आप आपके साथ देखिए, आप घात से थे तो यहाँ पे जावाज आ गए, अच्छा है ना, घात के बाद जावाज तो आना जरूरी है, आना चाहिए, जरा शुभकामनाओं से शुरू कीजिए। पहले तो मैं सत्येंद्र को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, आई विश हिम फ्रॉम माई हार्ट कि ही शुड ग्रो अप लाइक दिस, और दिलीप जी को भी मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, नील जी को भी शुभकामनाएं देता हूँ कि एक अच्छी पिक्चर लेके आ रहे हैं, और नील को बहुत दिल से और शुभकामनाएं इसलिए कि दोस्त है, और इसके पहले हम लोग एक्टिंग भी साथ में किए, और वो डायरेक्शन करने जा रहे हैं, तो सबसे उनको तहे दिल से ढेर सारी शुभकामनाएं, और मैं उनसे एक आग्रह भी करूँगा कि नील आप बहुत मेहनत करें और इस सिनेमा को अच्छी तरीके से बनाएं, ताकि एक अलग मुकाम पे ले जाए। थैंक यू सर, थैंक यू, माय प्लेजर।